इस्लामी तारीख चैनल के मोहज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको इस्लामी तारीख चैनल में खुशामदीद कहते हैं। कमरी महीनों में मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत ज़्यादा अजमत और रहमत का हामिल है। जब से अल्लाह पाक ने कायनात तख्लीक की, तब से मुहर्रम को खुसूसी दर्जा हासिल है। मुहर्रम हुरमत वाले चार महीनों में शामिल है और तमाम अंबिया कराम की शरीयतों में इसकी हुरमत और ताज़ीम मुकद्दम रखी गई है। अरब में कबल अज इस्लाम मुहर्रम को सफरे अव्वल कहा जाता था, मगर इस्लाम ने इस महीने को मुहर्रम के नाम से मौसूम करने के साथ साथ और ज्यादा मोहतरम करार दिया। आशूरा अशर से निकला है, जिसके मायने 10 के हैं, यानी यौम आशूरा के माने 10वीं के दिन के हैं। चूंकि ये मुहर्रमुल हराम के महीने का दिन है, इसलिए इसको मुहर्रमुल हराम की 10वीं का दिन कहते हैं। यौम आशूर ज़हूर इस्लाम से पहले कुरैश मक्का मुकरमा के नज़दीक भी बड़ा दिन था। इसी दिन खाने काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता था और कुरैश मक्का मुकरमा इस दिन रोज़ा रखते थे और यहूदी भी। एक हदीस में आता है, इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो यहूद को देखा कि आशूर के दिन रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा, ये रोज़ा कैसा है? तो इन लोगों ने कहा कि बेहतर दिन है, इसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को इनके दुश्मनों से निजात दी थी, इसीलिए हजरत मूसा ने इस दिन रोज़ा रखा था। आपने फरमाया कि हम तुम्हारे एतबार से ज्यादा मूसा के हकदार हैं। चुनाचे आपने इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस 1926। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप मक्का मुकरमा के लोगों के उन कामों से इत्तेफाक फरमाते थे जो मिल्लत इब्राहिमी की निस्बत से अच्छे काम होते थे। इसी बिना पर आप हज की तकरीबात में भी शिरकत फरमाते थे। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने से कबल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा रखते और दूसरों को भी इसका हुक्म देते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, फरमाते हैं, जहालियत में आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था, इसके बाद इस्लाम में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इरशाद फरमाया कि अब आशूरा का रोज़ा तुम्हारी मर्जी पर है, दिल चाहे तो रखो, ना चाहे तो ना रखो। सही बुखारी जिल्द 2 हदीस नंबर 1681। आशूरा के रोज़े के हवाले से एक रिवायत में जिक्र मिलता है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखा और इसके रोज़े का हुक्म फरमाया तो लोगों ने उनसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस दिन की यहूदी और निसरानी ताज़ीम करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब आइंदा साल आएगा तो हम 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। रावी ने कहा कि अभी आइंदा साल नहीं आया था। क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए? सही मुस्लिम जिल्द 2 हदीस 172। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की बिलखसूस यहूदी अंसारी की मुमासलत से मना फरमाया। यहाँ 9वीं तारीख के रोज़े का इरादा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। इसी तरह मुशाहबत खत्म हो जाएगी कि वो सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखते हैं और हम 9वीं तारीख का रोज़ा रखकर मुशाहबत को दूर कर लिया करेंगे और मुशाहबत की वजह से नेकी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसमें इजाफा करके फ़र्क कर दिया करेंगे। इस्लामी लिहाज से हमें बाखूबी इल्म है कि हुरमत वाले महीनों में इबादात का अजर सवाब बढ़ जाता है। इसी तरह इन आयाम में बुराई का वबाल और अजाब भी बढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक के मुहर्रम के रोज़ों को रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अफजल करार दिया गया है। इस हवाले से हदीसे पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि फ़र्ज नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे ज़्यादा अफजल है और रमज़ान के महीने के बाद कौन से रोज़े सबसे ज़्यादा अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज रात की है, नमाज तहज्जुद, और रमज़ान के महीने के रोज़ों के बाद
सबसे ज्यादा अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। सही बुखारी जिल्द 2 हदीस 262। इस तरह एक और हदीस में मनकूल है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक साहब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत किन रोजों की है? फरमाया, अल्लाह का महीना जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। सुनन इब्ने माजा जिल्द अव्वल हदीस 1743। बिलाशुबा मुहर्रम, बिलाशुबा माहे मुहर्रम में नफली रोजे रखना बड़ी फजीलत और सआदत की बात है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि यहाँ माहे मुहर्रम से मुराद यौमे आशूरा है, जिसके रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत मनकूल है, और इसकी ताईद इसके बाद आने वाली हदीस से भी होती है। इस हदीस में माहे मुहर्रम की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ की गई है। चुनाचे उलमाए कराम कहते हैं कि ये निस्बत तख़सीस की बिना पर नहीं है, जिसका मतलब ये हो कि सिर्फ मुहर्रम ही अल्लाह का महीना है, बल्कि चूंकि तमाम महीने अल्लाह ही के हैं, इसीलिए इस मौके पर बतौर खास अल्लाह की तरफ मुहर्रम के महीने की निस्बत इस माह मुबारक की शर्फ व फजीलत के इजहार के तौर पर है। हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यौमे आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखे, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके गुज़िश्ता साल के तमाम गुना माफ फरमा दे। तर्मीजी शरीफ जिल्द अव्वल हदीस 736। 10 मुहर्रम को बड़े अहम अमूर अंजाम पाए, मसलन इस दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जो जूदी पहाड़ पर रुकी, इस दिन अल्लाह ताला ने फिरौन और इसके लश्कर को दरिया में गर्क करके बनी इसराइल को इसके जुल्म व सितम से निजात दी। एक कॉल के मुताबिक इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से शर्फ हम कलामी नसीब हुई। शायद इन्हीं सबब के उमूर यहूद इस दिन ना सिर्फ रोजा रखते थे बल्कि इसे ईद और खुशी के तौर पर भी मनाते थे। जमाना जालियत में कुरैश भी इस दिन यौम आशूरा की ताजीम करते, काबतुल्ला को गिलाफ पहनाते और रोजा रखते थे। मनकुल है कि इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। 10 मुहर्रम को ही अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया और 10 मुहर्रम ही का दिन होगा जब कयामत नाजिल होगी। दोस्तों, ये 10 मुहर्रम जहां इतनी अहमियत और फजीलत रखता है, वहीं 10 मुहर्रम को ही एक ऐसा वाकिया पेश आया जिसको आज हम करबला के नाम से जानते हैं, जहां आप अलैहिस्सलाम के नवासे को शहीद किया गया। जी हाँ दोस्तों, वाकिया करबला पे हमारी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं और मजीद न्यू वीडियोस आएंगी जो बहुत ही आसान अल्फाज पर आप तक पहुंचाई जाएंगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।